हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही भिंडी की मसालेदार रेसिपी। दही भिंडी की मसालेदार रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया हुआ है जिसको मैंने मध्यम आंच पे रखा है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। तेल मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 400 ग्राम भिंडी, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया है, उसको डाल रही हूँ। भिंडियों को तेल में फ्राई कर लेना है, 5 मिनट तक फ्राई करना है इनको। अच्छे से फ्राई कर लेना है 5 मिनट। 5 मिनट के बाद इन भिंडियों को निकाल लेना है बाहर। अब मैं 1 टेबलस्पून तेल इसमें और डाल रही हूँ। तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ। 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है उसको डाल रही हूँ मैं। प्याज डालने के बाद भी इसको पका लेना है। प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब मैं इसमें 1 लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 चम्मच। पेस्ट डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ अब मैं इसमें। हरी मिर्च डालने के बाद भी इसको पकाना है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। नमक मैंने 1/2 चम्मच लिया है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। 1 चम्मच में धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इन सब मसालों को प्याज में अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है सबको एक साथ। 5 मिनट तक इनको मीडियम आंच पर इसी तरह से पकाना है। अब मैं इसमें 2 कप दही डाल रही हूँ। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है जिससे इसमें गांठें न रहें। दही के साथ भी इनको पका लेना है अच्छे से मिक्स करके। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। मसालों के साथ पानी को मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक और डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच मैंने इसमें मसाला डाला है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब मैं इसमें फ्राई करी हुई भिंडियों को डाल रही हूँ। भिंडियों को डालने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी सूखने तक इसको इसी तरह से पकाना है अभी। अब 10 मिनट तक इसमें मैं ढक्कन लगा कर रख लूँगी और मीडियम आंच पर इसको पकाऊँगी। 10 मिनट मेरे हो गए हैं। भिंडी पककर रेडी हो गई है। तेल मसाले सब अलग हो गए हैं। अब इसको गर्मा गर्म परोसिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।